एरो आवी, एरो आवी। चलो चलो कहानी सुनने चले, सब तैयार? एक दो तीन। परीक्षा का समय हर विद्यार्थी की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा पर चुटकी लेते हुए प्रस्तुत है ये हास्य व्यंग। शीर्षक है परीक्षा एक हास्य व्यंग। लिखा है सुमति जोशी। चित्र बनाए हैं बहुत सारे लोग हैं, ऑड्री एग्नियर, कैथरीन ग्रोनवॉल्ड, दीपा बलसावर, लावण्या कार्थिक, माधुरी पुरंदरे, नीना सबनानी, सौम्या मेनन, सुनैना सी और सुविधा मिस्त्री। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन स्टोरी वीवर कम्युनिटी की पेशकश है। तरह तरह की परीक्षाओं का एक छोटी सी जिंदगी में सामना करना पड़ जाता है। जिसने कभी किसी परीक्षा का सामना नहीं किया वो तुलना के योग्य नहीं है। आज यहां मैं परीक्षा के ऐसे रूप के बारे में बात करूंगी जिसका सामना मैं आजकल खुद कर रही हूं और बचपन से करती आ रही हूं। ये पल हर विद्यार्थी के जीवन में आता है और आता ही चला जाता है। 4 साल की उम्र से ही हमें इसका सामना करना पड़ता है। बहुत कठिन समय होता है ये। इस वक्त में किताबों से डर लगने लगता है। अब खुद ही सोचो, इतने सारे पन्ने और इतने सारे शब्द अगर आपको घेर ले तो आपका क्या होगा? परीक्षा की गहराई सिर्फ एक विद्यार्थी ही नहीं, उसके माता पिता भी महसूस करते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगी उनको ज्यादा महसूस होता है। पर्चा बच्चे को लिखना होता है और नींद माता पिता की कम हो जाती है। आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है और अंकों की काफी ज्यादा अपेक्षा होती है। परीक्षार्थी भिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य 4 कुछ इस प्रकार है। पहला प्रकार मग्गू। ये मेहनती और दिमाग के बहुत तेज होते हैं। माता पिता इनसे खुश रहते हैं और इनकी बहुत तारीफ सुनने को मिलती है। ये हर परीक्षा में अव्वल आते हैं पर असली जीवन की परीक्षा में थोड़े पीछे रह जाते हैं। किताबों का और इनका साथ लंबे समय तक बना रहता है। आंखों में मोटे मोटे चश्मे चढ़े होते हैं। पूरी जिंदगी पढ़ाई के लिए समर्पित होती है। इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। बहुत विचित्र प्राणी है ये। दूसरा प्रकार है मेहनती। ये हमेशा घबराया हुआ चेहरा लेकर घूमते नजर आते हैं। माता पिता इनको देखकर कुछ कह नहीं पाते हैं। परीक्षा की घड़ी इनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घुमाती है। किताबों से खास लगाव नहीं है पर उनसे दोस्ती रखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। अंक ना आने पर निराशा के सागर में डूब जाते हैं। तीसरा प्रकार है मस्त। ये प्राणी परीक्षा की घड़ी में घबराहट को कोसों दूर रखता है। 1 घंटा किताब देखता है तो बाकी 3 घंटा बाजार में घूमता है। किताबों से लगाव नहीं है इनको पर दिमाग इतना है कि किताब को देखकर ही परीक्षा में अच्छे अंक ले आते हैं। सबसे ज्यादा अचंभित इन्हीं के माता और पिता होते हैं क्योंकि ये आवारा भी कहलाते हैं। इनकी परीक्षा का परिणाम आने पर भगवान को शुक्रिया किया जाता है। चौथा प्रकार है धीमा। अब इनके बारे में क्या बोले, इनका हर काम आराम से होता है। माता पिता का प्यार इनके साथ हमेशा रहता है। चीजें थोड़ा देर से समझ आती है इनको। ये 1 कक्षा में आराम से 2 साल तक लगा देते हैं और जीवन की हर खुशी को महसूस करते हैं। बहुत से और प्रकार है जिन पर खोज अभी जारी है। पढ़ाई करने के भी अलग अलग ढंग होते हैं। जैसे कि मुझको किताब पकड़कर अपनी दोस्त से बातें करना पसंद है। दुनिया भर की बातें सारी उसी वक्त याद आ जाती है। किताबों को उठाते ही बहुत लोगों को नींद आने लगती है या तबीयत खराब होने लगती है या कोई बहुत जरूरी काम याद आ जाता है।
किसी किसी को किताबों को पढ़े बिना खाना नहीं पचता है और पचा हुआ खाना निकलता भी नहीं है। ये मग्गू प्रजाति में पाए जाते हैं। विचित्र होती है ये परीक्षाएं, हम इनको अनदेखा नहीं कर सकते। ये एक विद्यार्थी के जीवन का ऐसा सच है जिसे ठुकराया नहीं जा सकता है। इस दुनिया में बढ़ती प्रतियोगिता की वजह से इस सत्य को हमें अपनाना ही पड़ेगा। कुछ समय पहले पढ़ाई करते वक्त कुछ लिखने का मन किया और यह है उसका परिणाम। क्यों मुझको कुछ समझ ना आए, शब्द लग रहे हैं काले साए। दोस्त है मेरी बैठी बगल में, किताब में अपनी आंखें गड़ाए। क्या पढ़ती है वो इतना सारा, मन रोता है हाय हाय। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ, तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।